3,90,00,000 रुपए एक लेडीज लेकर फरार हो रही थी। लोगों को कौन लेडीज है जी, कहाँ की रहने वाली है और किस प्रकार है? सर शास्त्री कॉलोनी गली नंबर 1 और उसके हस्बैंड का भी हाथ में है, दोनों बच्चा का और एक उसका भाई है जिसका नाम बलराम है, उसके हस्बैंड का नाम मुकेश है, लड़की का नाम है अंजलि, लड़के का नाम है दीपांशु। एक मिनट हाँ, तो किस कारण कैसे किस पैसा कैसे लिया? सर मैं तो इतनी दूर रह रही हूँ इनसे, मैं तो मयूर बिहार गली नंबर 1 में रह रही हूँ, जो मेरे से उसने ठगी की गई है कि माँ मैंने अपना लड़का भी विदेश भेज दिया, मैं आपके लड़के को भी भेज दूंगी, अब मेरे लड़के की एक बार तू ये पेमेंट पूरी करवा दे जो 25,00,000 में मैं भेज रही हूँ, 8,00,000 तो उसका लड़का गया वो जब लेगी है, और सर अरे 4,00,000 2,00,000 तो भाई 1 तारीख को लेकर गई है इस महीने की मेरे तक। क्या कह रही कभी कि मेरे बेटे की फीस कम रह रही है? तो ये विदेश के भेजने के नाम पर आपके बेटे को भेजना था? हाँ मेरे बेटे को भेजना। कितने में सौदा किया था इसने? मैंने 26,50,000 जा चुके हैं सर उसमें, और वह कुछ के अकाउंट में जा रहे हैं मेरे उससे, और वो साइन करके जा रही है इतने पर सर, और उन्हें 2 चेक दे रखे हैं साइन करके मेरे को। तो थाने में आते हो, थाने में क्या कर रहे हो? कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। कितने दिनों से चक्कर काट रहे हो? सर 6 तारीख से चक्कर लगा रहे। करीब 4-5 दिन पहले एसपी साहब की मार्फत की दरख्वास्त आई थी हमारे पास, और उसमें 50 से 60 आदमी होने जो शास्त्री कॉलोनी के, उन्होंने आरोप लगाया था कि दर्शना नाम की लेडीज़ है शास्त्री कॉलोनी की, उसने हमारे से झूठ बोलकर और मोटे ब्याज का झांसा देकर हमारे से करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपये हड़प लिए हैं, और अभी इसकी हम जाँच कर रहे हैं, जाँच के बाद जो भी होगा उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार